नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। 2022 की शुरुआत में जिन कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्य तक शामिल हैं। यही वजह है कि यह चुनाव 2024 के सेमीफाइनल बन गए हैं। अभी तक हमने पिछले एपिसोड में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्य की बात की। आज हम बात करेंगे मणिपुर और गोवा की। तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र। सबसे पहले बात मणिपुर की। मणिपुर में भी 2022 की शुरुआत में चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के इस प्रमुख राज्य में पहली बार भाजपा जोड़ तोड़ की सियासत से सत्ता में है। आइए देखते हैं इस राज्य के वोटों और सीटों का गणित। पूर्वोत्तर के इस प्रमुख राज्य मणिपुर में भी कांग्रेस से कम सीटें पाकर भाजपा सत्ता में है। मणिपुर में विधानसभा की कुल सीटें हैं 60, बहुमत के लिए चाहिए कुल 31। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में आई 28 सीटें, जबकि भाजपा ने हासिल की 21 सीटें। क्षेत्रीय दल नेशनल पीपल्स पार्टी इंडिया यानी NPPI को मिली 4 सीटें, नागा पीपल्स फ्रंट यानी NPF को मिली 4 सीटें, AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिली 1 सीट। इसी तरह LJP यानी लोक जनशक्ति पार्टी को भी मिली 1 सीट। 1 सीट निर्दलीय के हिस्से में भी आई। मणिपुर में वोट शेयर का हिसाब लगाएं तो यहां भाजपा ने कांग्रेस से करीब 1% ही ज़्यादा वोट पाया। हालांकि सीट उसे कांग्रेस से कम मिली। कांग्रेस को 28 सीटों के साथ जहां 35.3% वोट मिले, वहीं भाजपा को 21 सीटों के साथ 36.48% वोट मिले। अन्य क्षेत्रीय दल 10% वोट तक भी नहीं पहुंच सके। NPEP को मिले महज 5.08% वोट, जबकि NPF को मिले 7.21%। LJP ने पाए 2.56% वोट, जबकि तृणमूल कांग्रेस को मिले 1.42% वोट। निर्दलीय ने भी 5.08% वोट हासिल किए और अन्य के खाते में गए 6.87% वोट। इस अन्य में नोटा भी शामिल है। न्यूज क्लिक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जहां NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, वहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए NEDA यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। मणिपुर में इसमें NPF और NPP सभी को शामिल कर लिया गया है। LJP के इकलौते विधायक करम श्याम तो अभी हाल में ही भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। तो क्या है मणिपुर की राजनीति, आइए समझते हैं। 2017 में शुरुआत में मणिपुर में भाजपा का सत्ता का कोई सीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जोड़ तोड़ से सरकार बना ली। कांग्रेस बहुमत से केवल 3 सीट दूर रहकर भी सरकार नहीं बना पाई, जबकि भाजपा ने 10 सीटों के अंतर के बाद भी सत्ता हथिया ली। मणिपुर में भाजपा की गठबंधन सरकार है। इस गठबंधन का नाम है नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस NEDA, जिसमें तमाम विरोधाभास हैं, लेकिन सत्ता के चुंबक और केंद्रीय एजेंसियों का चाबुक हर जगह काम आ जाता है। केंद्र में सरकार होना इसीलिए फायदेमंद होता है। हालांकि अभी पिछले साल कोरोना संकट के दौरान जून 2020 में BJP की गठबंधन सरकार गिरते गिरते बची। उन 9 विधायकों ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसमें भाजपा के भी 3 विधायक शामिल थे जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह भाजपा के 3 विधायक, NPP के 4 विधायक, 1 TMC विधायक और 1 निर्दलीय विधायक समेत कुल 9 विधायक सरकार से अलग हो गए और सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन जैसे राष्ट्रीय राजनीति में गोदी मीडिया ने अमित शाह को चाणक्य का खिताब दे रखा है, वैसे ही उनके नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को पूर्वोत्तर की राजनीति का चाणक्य कहने का रिवाज है। कहते हैं कि उनकी चाणक्य नीति से सरकार बचा ली गई। हालांकि इस चाणक्य नीति में जोड़ तोड़ के अलावा कांग्रेस नेता और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री OEBOBI सिंह पर CBI की ओर से दबाव बनाना भी शामिल था। इसी बीच उन्हें धन के दुरुपयोग के मामले में समन भेज दिए गए। कांग्रेस ने इस बीच सरकार बनाने की काफी कोशिश की। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात की,
लेकिन कुछ काम न आया और भाजपा एक बार फिर अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही और राज्यसभा की एक सीट भी कब्जाने में सफल रही। अब 2022 में देखना है कि मणिपुर में कौन ज्यादा सीटें पाता है और कौन कम सीटें पाकर भी सरकार बना ले जाता है। न्यूज़ क्लिक रिपोर्ट। मणिपुर के बाद अब चलते हैं गोवा की तरफ। गोवा की सत्ता भी भाजपा के हाथ में है और इस समय नेतृत्व कर रहे हैं प्रमोद सावंत। आइए देखते हैं क्या है गोवा के चुनावी आंकड़े और सियासी हाल। गोवा में भी 2017 के चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटें पाकर विपक्ष में है और भाजपा कम सीटें पाकर भी सत्ता में। गोवा विधानसभा में कुल सीटें हैं 40, यानी बहुमत के लिए चाहिए कुल 21 सीटें। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को मिली 17 सीटें, यानी बहुमत से 4 सीटें कम। लेकिन दिलचस्प रहा कि भाजपा को उससे भी कम कुल 13 सीटें मिली, मतलब बहुमत से 8 सीटें कम। लेकिन फिर भी गोवा में भाजपा ने सरकार बना ली, जबकि साफ था कि जनता ने सरकार के विरुद्ध वोट किया है। भाजपा 2012 से गोवा की सत्ता में है। अब इसे कुर्सी का प्रबंधन कहिए या अनैतिकता, जनादेश के विरुद्ध जाकर भी भाजपा ने कुर्सी नहीं छोड़ी और वह आज तक इस पर काबिज है। गोवा की सबसे पुरानी पार्टी एमएजी यानी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 2017 के चुनाव में जीती 3 सीटें, जिसका 2019 में भाजपा में कथित तौर पर विलय हो गया। हालांकि उस समय इसके 2 सदस्य ही भाजपा में गए, जबकि एक तीसरे विधायक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। जीएफपी यानी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के पास भी 3 सीटें आईं, जबकि निर्दलीय ने भी 3 सीटें जीती। एनसीपी के खाते में रही 1 सीट। वोट शेयर का हिसाब लगाया जाए तो भाजपा को यहां कांग्रेस से कुछ ज्यादा वोट मिला, हालांकि सीट कांग्रेस की ज्यादा थी। कांग्रेस को 17 सीटों के साथ गोवा में कुल 28.69% वोट मिला, जबकि भाजपा को 13 सीटों के साथ 32.87% वोट मिला। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 11.41% और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को महज 3.52% वोट मिला। फिर भी सीटें दोनों की बराबर रहीं 3-3। इसी तरह निर्दलीयों को भी 11.26% वोट हासिल हुए, जबकि एनसीपी को मिला 2.31% वोट। अन्य के खाते में गया 9.93% वोट। अब आने वाले चुनाव के लिए गहमागहमी शुरू हो गई है। गोवा की राजनीति में कई नए खिलाड़ी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी भी यहां ताल ठोक रही है, तो शिवसेना भी। दो नए क्षेत्रीय दल भी इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। 2017 के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने मंथन में जरा देर कर दी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी से गठबंधन करने में हिचक दिखाई, लेकिन भाजपा ने झटपट अन्य दलों से गठबंधन करके मनोहर पर्रिकर, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, के नेतृत्व में सरकार भी बना ली। उस समय मनोहर पर्रिकर केंद्र में रक्षा मंत्री थे, लेकिन भाजपा ने अन्य दलों का समर्थन पाने के लिए तुरंत फुरत में उन्हें रक्षा मंत्री जैसा अहम पद छुड़वाकर फिर गोवा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इसी सबसे सबक लेकर अब आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पहले से ही तैयारी कर रही है और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी समेत सभी छोटे बड़े दलों से बातचीत कर रही है, ताकि नतीजों के बाद सोचने विचारने में फिर देर ना हो जाए। न्यूज़ क्लिक रिपोर्ट। तो आज हमने बात की मणिपुर और गोवा की। इस तरह पांचों चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा पर हमने आंकड़ों के जरिए एक नज़र डाल ली है। अब अगले एपिसोड में हम इन राज्यों के ताज़ा सियासी हालात पर बात करेंगे। हाँ, आपको फिर याद दिला दें कि इन पांच राज्यों का पूरा इलेक्शन मैप, यानी 2017 विधानसभा के आंकड़े, 2014 और 2019 लोकसभा के आंकड़े हमारी न्यूज़ क्लिक की हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। साइट पर जाइए और इलेक्शन मैप के बटन पर एक क्लिक कीजिए। पूरे आंकड़े, पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा। आप इसका अपने तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अन्य खबरें जानने के लिए हमारी साइट पर विजिट जरूर करते रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें हर माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म के जरिए। शुक्रिया, धन्यवाद।